नमस्कार, मैं डॉक्टर अजय कुमार गौतम, सह आचार्य प्राणी शास्त्र विभाग, राजकीय बांगड़ महाविद्यालय डीडवाना। मैं आज आपको बीएससी फर्स्ट ईयर के जियोलॉजी के पेपर थर्ड के डेवलपमेंटल बायोलॉजी में दो सिद्धांतों के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ। पहला सिद्धांत है प्री फॉर्मेशनिज्म या पूर्व रचनावाद, दूसरा है पश्च जनन सिद्धांत या थ्योरी ऑफ इपिजेनेसिस। तो पूर्व रचनावाद क्या होता है? इसके अनुसार भ्रूण में शुरू से ही वयस्क जंतु के सभी अंग तंत्र सूक्ष्म रूप में विद्यमान रहते हैं। इनको इनके अत्यंत सूक्ष्म आकार के कारण ही नहीं देखा जा सकता है। परिवर्तन के समय इन अंगों का स्थायीकरण व इनमें वृद्धि होती है। ये है पूर्व रचना सिद्धांत। बाद में इस सिद्धांत को नकार दिया गया और इसके स्थान पर नया सिद्धांत उत्पन्न हुआ या स्थापित हुआ, जिसको कहते हैं थ्योरी ऑफ इपिजेनेसिस, पश्च जनन सिद्धांत। 1828 में कार्ल अर्नस्ट वॉन बेयर, जो कि 1792 से 1876 उनका कार्यकाल था, ने एक्स और परिवर्धन का क्रमबद्ध अध्ययन किया और पाया कि भ्रूण क्रमशः विभेदित होता है। यह नई मान्यता अनुजनन या पश्च जनन इपिजेनेसिस कहलाती है। इपिजेनेसिस नाम विलियम हार्वे ने 1651 में दिया। उनके अनुसार पूर्व रचनावाद त्रुटिपूर्ण था और भ्रूण का प्रारंभ नर या मादा दोनों युग्मकों के मिलने से होता है और यही कारण है कि संतति में दोनों माता और पिता के गुण आते हैं। इस प्रकार इस सिद्धांत के अनुसार भ्रूण एक समजात अविभेदित निषेचित अंडे से उत्पन्न होता है। हार्वे की पुस्तक का एक वाक्यांश अत्यंत प्रसिद्ध हुआ, जिसका आशय है समस्त जीव अंडे से उत्पन्न होते हैं, अर्थात ऑल क्रीचर्स कम फ्रॉम एन एग और एग्स ओवो ओमनिया। उस समय एग आज की तरह परिभाषित नहीं था। उस समय भ्रूण पिंडों को ही अंड कहा जाता था। यह है इपिजेनेसिस सिद्धांत। थैंक यू।